खास सुरक्षा अधिकारी आए और सीधे यहाँ से पैसा लेकर रास्ता नाप लिए। ये कहना है होटल रेड वेलवेट, जो राजधानी पटना के किदवईपुर स्थित है होटल रेड वेलवेट, उनके प्रबंधक का। आपको बताते चले कि सैयद मुमताज हुसैन एक रेड वेलवेट होटल में अपनी बच्ची का प्रोग्राम रखते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं। शाम के 5 बजे बर्थडे पार्टी की शुरुआत होती है और उसके बाद जब खाना का शुरुआत होता है तो उसमें नजर आता है कि तस्वीर देखिए किस तरीके से सैलेड में कीड़ा जो है चल रहा है, और उसके बाद उसकी तस्वीर ली जाती है, उसकी वीडियो बनाई जाती है और सीधा सीधा होटल रेड वेलवेट के प्रबंधक को दिखाई जाती है कि आपके होटल में साफ सफाई का देखिए कितना ध्यान रखा जाता है। किसी का ये कीड़ा खाने से या खाना खाने से तबीयत बिगड़ सकता है, लेकिन होटल के प्रबंधक कहते हैं कि जाइए, जिसको कहना है कह दीजिए, हम क्या करें, हम क्या करें, उनके पास कोई जवाब उसका नहीं होता है। और तस्वीर देखिए किस तरीके से ये कीड़ा खाना में चलता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद अगर होटल का प्रबंधक, जिनके ऊपर सारी होटल की जिम्मेवारी होती है, अगर वो ये बात कहें कि हम क्या करें, ऐसे कितने आपको जो करना है कर लीजिए, जहां जाना है जाइए, जिसको कंप्लेन करना है कीजिए, बड़े बड़े खास सुरक्षा अधिकारी आए, पैसा लेकर यहां से रास्ता नाप लिए, इस तरीके का बात हो जो है होटल प्रबंधक के द्वारा की जाती है। ये सारी बातें सैयद मुमताज हुसैन ने अपने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है, और उन्होंने कहा है कि एक बड़ा हमारे परिवार के साथ घटना घटा, परिवार का बड़ा तबियत खराब हो गया, हमारे फैमिली के कई मेंबर जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए इस तरीके का खाना खाने के बाद। और जब हम वीडियो बनाकर जब प्रबंधक को ये बात कहें कि देखिए खाने में कीड़ा जो है वो मिला है, हम अपनी बर्थडे, अपनी बेटी का बर्थडे पार्टी मनाने गए थे, लेकिन बर्थडे पार्टी मनाने की जगह जो है कहीं कुछ और वहां सीन दिख गया, और वहां से सीधे सीधे तौर पे जो है पार्टी खत्म हो गई, सीधे लोग घर चल दिए, लेकिन उनके प्रबंधक जो है वो किस तरीके का बर्ताव किए, खैर हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है दिखाने को, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बड़े बड़े खाद्य सुरक्षा अधिकारी आए और पैसा लिए और यहां सीधे रास्ता नाप लिए। तो आपको जो करना है आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अब किसी का जाल माल से जो खेला है वो किया करेगा होटल? राजधानी पटना का बड़ा होटल है रेड वेलवेट, कि वही पूरी जैसे इनकम टैक्स गोलंबर से आप साइड आते हैं तो रेड वेलवेट होटल बड़ा होटल है, और इतने बड़े होटल की स्थिति कुछ इस तरह की है कि उसके खाने में, वहां के खाने में जो है कितना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, क्या कुछ देख, तस्वीर साफ है, क्लियर है, वहां पे रेड वेलवेट होटल की तस्वीर है, उस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा, जूम करके हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से खाने में कीड़ा, व्हाइट कीड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है, और इससे कहीं ना कहीं सैयद मुमताज हुसैन के परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उसका साफ तौर पे रिपोर्ट जो है सिविल सर्जन को सैयद मुमताज हुसैन ने सौंपा है और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे ऐसे होटल को बंद करवाया जाए, जो इतना बड़ा बड़ा तगमा खोल के होटल जो बैठे हुए हैं लोग, और जिनको खाने का बिल्कुल जो खान पान का जो बिल्कुल ध्यान नहीं है, जो खाना बनाते हैं उसका साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखे हुए जो है खाना बनाते हैं और दावा करते हैं कि हम बड़ा होटल है, बड़ा पैसा है, ये ऐसे वैसे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्या सही में बिकते हैं? ये सारी चीजें देखने वाली बात हो गई। सब कुछ रिपोर्ट जो है वो शिकायत जो है दर्ज करवा दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि रिसीविंग भी जो है वो भी आ गया है, क्या कुछ अब होता है ये देखने वाली चीज होगी। खैर जो भी अपडेट होगा NBC 24 के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और ऐसे होटल खास करके अगर आपके भी नजर में है उसकी तस्वीर ले, वीडियो बनाए और सीधे सीधे कंप्लेन कर होटल को बंद करवाएं, नहीं तो आपके भी परिवार के जान मान के साथ जो है कहीं ना कहीं खेला हो सकता है, परिवार का तबियत बिगड़ सकता है, आपका स्वयं तबियत बिगड़ सकता है। अगर आप बिना ध्यान रखे इस तरीके का खाना जो है वो खा लेते हैं अगर, तो आपको भी अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। खैर अब देखने वाली बात है कि इस पर सिविल सर्जन हो या फिर कौन जो भी बड़ा आला अधिकारी है इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। बने रहे हमारे साथ अंत तक, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।